हिंदी निबंध पुस्तक की आत्मकथा पर निबंध, बहुत ही सरल और आसान निबंध। मैं एक पुस्तक हूँ, मेरा पहले ऐसा नहीं था जैसा आज आप देखते हो। यह बात तब की है जब ऋषि मुनि इस पावन धरती पर रहते थे। वे अपने शिष्यों की परीक्षा मौखिक रूप से लेते थे, लेकिन एक दिन ऋषि मुनियों को विचार आया कि अगर हम कल इस धरती पर नहीं रहे तो हमारा ज्ञान तो व्यर्थ चला जाएगा। तब ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए लिखना प्रारंभ किया। पुस्तक कहती है, यही मेरा पहला स्वरूप था, यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई, यही वो दिन था, मेरा सौभाग्य था कि मेरे ऊपर ऋषि मुनियों का ज्ञान की वर्षा हुई और यह ज्ञान आज भी कई युगों के बाद भी मैं सब लोगों में बट रही हूँ। मेरा जीवन उस दिन धन्य हो गया जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना की और श्री गणेश भगवान ने उस महान वेद को मेरे ऊपर लिखा। उसी दिन मैं पूजी जाने लगी, मुझे अलग अलग धर्मों में मुझे ईश्वर के समान सम्मान दिया जाता है, सभी लोग मुझे आदर और सम्मान देते हैं। एक पुस्तक अपने जीवन की व्यथा कहती है कि जिस रूप में आज वो आप मुझे देखते हैं, पहले मैं ऐसी दिखाई नहीं देती थी। यह रूप तो उसे कई कठिनाइयों और पीड़ा झेलने के बाद मिला है। वह कहती है कि उसका पहला रूप पेड़ों की पत्तियां थी, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पर लिखा करते थे। लेकिन फिर एक नया दौर आया और फिर मेरा रूप बदला। इस बार मेरा रूप बहुत ही सुंदर था, मुझे कागज का रूप दिया गया, जिसके बाद मैं अमर हो गई। मुझे कागज का रूप देने के लिए घास फूस के टुकड़े, पुराने कपड़े को कूटकर पानी में गलाया जाता है, फिर मुझे बड़ी बड़ी मशीनों में निचोड़ दिया जाता है। लेकिन मेरी पीड़ा का अंत यही नहीं होता है। इसके बाद मुझे पुस्तक का रूप देने के लिए मेरे पन्नों को मशीने में छापने को डाल दिया जाता है और नए ज्ञान रचनाओं के लिए मुझे लेखकों के पास भेजा जाता है। लेखक मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मेरे कोरे कागज पर अपनी कल्पनाओं विचारों को मेरे साथ साझा करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।